इग्नू की तरफ से 7 न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। तो आज आपको दो रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया है कि जून 2022 ट्रमेन एग्जामिनेशन के लिए आपको असाइनमेंट किस मोड में सबमिट करना होगा और उसे चेक करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी अपडेट आया है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आज आपको पटना रीजनल सेंटर की तरफ से बताया गया है कि आपको असाइनमेंट किस मोड में सबमिट करना होगा। चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो पटना रीजनल सेंटर की तरफ से आपको गूगल फॉरम का लिंक दिया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट करना होगा। अगर आपने ऑफलाइन मोड में स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट कर दिया है तो आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना होगा, किसी एक मेथड से ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है उसका पीडीएफ फाइल बना करके आपको इस फॉर्म के थ्रू अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना होगा। और आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है सभी को आपको यहाँ पर वन बाय वन सबमिट करना होगा। पीडीएफ फाइल का साइज जो है 100 MB से कम होना चाहिए। और पीडीएफ फाइल का नाम आप कैसे रखेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है। पहले आएगा प्रोग्राम कोड, फिर डैश, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट कोड, और फिर डैश, और उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा। तो आपके पास जितने भी असाइनमेंट है यहाँ पर आपको वन बाय वन सबमिट करना होगा। और इसी तरीके से आज आपको बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से भी बताया गया कि आपको असाइनमेंट किस मोड में सबमिट करना होगा जून 2022 एग्जाम के लिए। चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से कि आप अपना असाइनमेंट का जो हार्ड कॉपी है वो आप अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करवा सकते हैं लास्ट डेट से पहले। और अगर आप स्टडी सेंटर पर नहीं जा पाते हैं या फिर आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो आप अपना असाइनमेंट स्पीड पोस्ट के थ्रू भी अपने स्टडी सेंटर पर भिजवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर वाइज ईमेल आईडी दिया गया है। तो ईमेल के थ्रू भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर आपको तीन मेथड बताया गया है, किसी एक मेथड से ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। अगर ईमेल से करना चाहते हैं तो जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है उसका पीडीएफ फाइल बना करके आपको सबमिट करना होगा। और उसके बाद बात करते हैं कॉन्वोकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा 35वां कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि जो आपका कॉन्वोकेशन है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कॉन्वोकेशन का एक डेट बताया गया है और इसका अनाउंसमेंट कहाँ पर किया गया है, जो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर है इसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको बताया गया है कि जो आपका 35वां कॉन्वोकेशन है वो 26 अप्रैल को होने वाले है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो आपको बाद में बताया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि जो आपका कॉन्वोकेशन है वो किस मोड में होने वाला है, तो जब इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा तो आपको बाद में बताया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं ग्रेड कार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा ग्रेड कार्ड चेक करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है, ग्रेड कार्ड अब आपको यहाँ से चेक करना होगा। तो यहाँ पर पहले ये था कि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया था कि ग्रेड कार्ड का लास्ट अपडेट क्या है, तो यहाँ पर इस चीज को भी अपडेट किया गया है कि ग्रेड कार्ड कब अपडेट हुआ है, अब आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया जाएगा। और यहाँ पर जब भी आप ग्रेड कार्ड को चेक करेंगे उस समय का डेट और टाइम भी आपको बताया जाएगा। तो ये पहले नहीं था, इसको अपडेट कर दिया गया है। और उसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। अगर आपने दिसंबर 2021 ट्रमेन एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है तो आपका जो असाइनमेंट है इसका स्टेटस फिर से अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 2 अप्रैल को अपडेट किया गया है, दिसंबर 2021 सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, यानी कि अभी आपका जो असाइनमेंट है वो चेकिंग प्रोसेस में है। और ऐसे ही आप इनका भी देख सकते हैं, दिसंबर 2021 सेशन के लिए इन्होंने असाइनमेंट को सबमिट किया है और 2 अप्रैल को जो स्टेटस है ये अपडेट हुआ है। और इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट का स्टेटस चेक करते हैं और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड का मैसेज बताया जाता है या फिर आपका स्टेटस ओपन होकर के नहीं आता है, तो ऐसे में आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना होगा। जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिनके असाइनमेंट का स्टेटस
स्टेटस अपडेट कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी आपका असाइनमेंट चेकिंग प्रोसेस में है, नंबर अभी आपको नहीं बताया जाएगा, जब ग्रेड कार्ड का अपडेट आएगा तो फिर आपको नंबर भी बताया जाएगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में एमएससी एमएससीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट किया था, तो इसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका मेरिट में नाम आया है या फिर नहीं। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फिर जो एडमिशन का फीस है वो आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट किया था तो यहाँ पर इंटरव्यू का शेड्यूल आपका जारी किया गया है 2021 सेशन का। चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू देने के लिए कब जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम वाइज जो है और भी मेरिट लिस्ट आने वाले है, तो जब आएगा तो आपको चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।